आज नाश्ता करके तुरंत भागना पड़ा, तुरंत, क्योंकि पापा गए आज पिथौरागढ़ और आज दिन भर दुकान में ही बीतेगा समय। तो शुरू कर लेते हैं एक और ब्लॉग। हेलो मित्र, सब लोग इनका पहला पढ़ा हुआ नमस्कार, स्वागत मेरे को नई ब्लॉग में। हो तुम सब ठीक हो? नीला मल एकदम झकास। बे ब्याह बड़े ने बादल लग रहे हैं और बारिश तो उन्ने मेरे बादल हैं उन्हें अंजने और उन्हें अंजने और आ रखता बड़े ले जहाँ जहाँ बड़े मतलब सूरज उगने पूरा बादल लग रहे हैं। तो ब्लॉग शुरू है चुक रहे दीदी ने एक मौसम अपडेट पूरे हॉल से तल तल और सूरज उगू रात रात यहाँ बड़े देखो पूरे बादल लग रहे हैं और यही आने लगे साफ छ कुछ मौसम हो पल्ला आ जाल साइज सूरज थोड़ी देर में गर्म बढ़ जाल मतलब थोड़ी देर बाद सूरज आल तो पक बैग बारिश होना चांस ले हैं क्या ना रहना 50-50 है भैया। तो कुछ ऐसा हो रहा है अभी का मौसम फिलहाल। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, झाड़ू मतलब जो भी लगाना था वो सब हो गया है और 8 बजने वाले करेक्ट वीडियो भी आ गई होगी और ऐसा ही चल रहा है। मिलते हैं अभी कुछ समय पश्चात, ठीक है? तो टाइम है जुगरे 10:30 और आज आ जुगरे मैं तो गाड़ बैठने था बोर रहे थी आज मैं काको आ रहे हैं काको तो गाड़ मिलनू था बहुत बातचीत करनू ठीक है। हेलो और क्या हाल चाल और फिर घर आके तुम कैसा चिता रहे हो? घर आके आनंदित चिता रहा हूँ भाई। कौन सा मतलब मौसम घर नहीं है चाहन घर में तो बढ़िया है यार। बढ़िया रहे ना? दिल्ली में कितनी थी गर्मी? अरे बहुत ही ज्यादा, थोड़ा जोर से पसीना पूरा। अच्छा यो क्यों नाम रामलीला में फूल छपे विचार है? रामलीला में ढाबा फूल छपे विचार पूरे सोचिया मतलब अले बड़े। तो रामलीला अब दिवाली में बात शुरू है जाला माओ ई में हमार काकू ढाबा खोल जाओ की मिलोली में मिल जाल मोमो मोमो स्प्रिंग रोल चाउमीन रोल रोल एग रोल ही एग रोल ही मेरा फेवरेट प्या बस तेरे तो मिल जाए चार रोल मर रोज उक जानन ठीक है। काकू एक गाना चाह को रंग बिगाड़ वाले जो एक बार एक मिनट रिदम ना आ रहा काकू कलाकार तो तगड़े हैं रामलीला में तो मिले पार्ट देखने ली नर सुग्रीव जज जड़ है मैं खेलो ने कतई जर कुंभकर्ण खेल ला एक बार चाह को नहीं हुई दो दिगो लाल वाली गा रहे चलो हो जाए एक खम गुनगुना ना आपका जा रहा चाह को रंग बिगाड़ो चाह पतीले मेरे को ढंग बिगाड़ो सपा पतीले चलो गजब गजब गजब। तो 2:30 बज गए हैं और लंच भी हो गया आज। सोनू भी ना उस समय से मेरे साथ है, लंच भी आज मेरे साथ हो गया इसका भी। अब हम लोग जा रहे हैं एक डांस वीडियो शूट करने, तो कल आपको देखने को मिलेगी यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे आज की शाम तक आ जाएगी वीडियो। तो चलते हैं पहले आज दिखाते हैं दूसरी शूटिंग सोनू के गाने की। रेडी है फिर? या रेडी तो सब कुछ आज चश्मा चश्मा क्या बात है भैया क्या बात है दुनिया हिला दोगे आज तो बापा हो तो से पता ये दूंगा जनू मिल गया। चलो चलो थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल चल ही रहा है फिर हमारा और सोनू ने तो आज दबा के पेला है मेरे को दिमाग की मतलब बत्ती ला दी है पूरी। अभी आए हैं इस जगह पे इस लोकेशन पे। वाओ काफी अच्छी लोकेशन है। इतने कुछ हेलो गणेश हैं एक्टर ने लेट का समझो लोड मिल रहा जो तुम समझन बोले तो पापा हो ते मूर्ख वेल बैंक है ते समझन समझन या मेरे लिए बैंक का 8 फेल हूं आप एक बार में यार समझ में उन्ने मेरे ओए ये देखो यहां पे आया सोनू। अब यहाँ पे हमारा आखिरी सूट उसके बाद निकलते हैं घर को। मैं भी दुकान बंद करके आया हूँ 1 घंटा हो गया है पर तो कंप्लीट हो गया है सूट लगभग 3 मिनट के करीब का सूट किया और जिस लोकेशन पे मैं आया हूँ ना वाह पीछे देख सकते हैं मेरा आहा मज़ा आ गया मतलब कुल मिला के। सोनू भाई से पूछते हैं तो शॉट पूरा हो चुका है कैसा चिता रहे हैं? बढ़िया है बढ़िया बढ़िया मतलब तेरे को लगता है कि तू एक्टर बन सकता है? एक्टर बन सकता है तू? क्या बता बन तो सकता हूँ लेकिन सिखाने वाला शायद मेंटल हो सकता है।
मैं तो बन जाऊंगा लेकिन उसकी उसकी गारंटी नहीं है जो गुरु होते हैं ना, मतलब गुरु को कर देगा मेंटल, वो तो मेंटल हो ही जाएंगे। सूट कंप्लीट करके अब चलते हैं अब दुकान में। घास तो काफ़ी बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी। अब यहाँ को कटी नहीं है, अभी कुछ दिनों बाद काट देंगे यहाँ को भी। गाजियो मतलब अगर गाना में 10,000 व्यूज नहीं आएंगे ना, छोड़ देंगे साला दोनों दो ब्लॉग बनाना। की करनुवा वशोण पशोण की करनुवा मरनो तो डर नहीं तो बगड़ दीजन वहा तू मेहनत करी बात जब व्यूज नहीं पड़ा था ब्लॉग में, छोड़ देंगे साला। शटर खोल फटाफट खोल। तो गाना कल आ जाएगा दोस्तों शाम तक, आज मतलब आज शाम को आ जाएगा। तो 5 बजने वाले हैं और मौसम हो गया है आज भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक। अब वीडियो भी कर देते हैं फिर आज का यहीं पे समाप्त। अब मिलते हैं आपको कल यानी कि नए ब्लॉग के साथ, और सोनू भाई का वीडियो ज़रूर देखें, शाम को आ जाएगी। तो खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, और सबसे ज़रूरी बात स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।